तो राइट एवरीवन, ये जो कंपनी है ये 2020 बिस्कुट कंपनी है। बहुत दिनों के बाद इसमें रिक्वायरमेंट आया है। ऐसे समझ सकते हो कि 2023 में ये रिक्वायरमेंट आने वाला था, बिकॉज अभी ये रिक्वायरमेंट आ चुका है। देन एवरीवन, मैं सबको बताना चाहूँगा ये वैकेंसीज बहुत ही लार्गेस्ट नंबर पे है, और जो भी कैंडिडेट एक्साइटमेंट है इस काम को करने के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको वो सभी जानकारियाँ देते हैं, जैसे लाइक टू कि आपको काम क्या होगा, उस कंपनी में काम क्या होगा, कितने घंटे की ड्यूटी होगी, क्या सैलरी होगी, और इस काम को करने के लिए आपको करना क्या होगा, एवरीथिंग हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ में शेयरिंग करते हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब आप एक जॉब का वीडियो देख रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को पूरा का पूरा कलेक्ट करें, तब आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड स्किप करके देखते हैं और उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। ये उनकी प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, कहीं पर भी मिस माइंड मत होगे, और आपको काम भी मिलेगा। सभी फैसिलिटीज इस कंपनी दे रही है, बेस्ट ऑप्शन से। सो एवरीवन, एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे ही जॉब्स के अपडेट लेना चाहते हैं तो यहां पर जो वेबसाइट दिख रहा है www.rozgarbulumaya.com, उस पर जा सकते हैं। उस पर जॉब्स के अपडेट हमेशा पर डे बेस में होते रहते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। ये जो कंपनी है 2020 बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें आपका वर्क प्रोफाइल होगा हेल्पर का होगा। लाइक दिस, हेल्पर के पोस्ट में क्या काम करने होंगे, तो बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, मेकिंग करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा, एवरीथिंग आपका काम होगा, यही से रिलेटेड आपका काम होने वाला है। सो यहाँ पर जो आपका ड्यूटी है 12 आवर्स की शिफ्टिंग है और महीने में 26 दिन काम करने हैं, तो ऐसे समझ सकते हो कि 12 घंटे का काम है और महीने में 26 दिन का काम होने वाला है। किसी भी प्रकार का ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ओनली डे ड्यूटी है। नाइट का इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको नाइट में शिफ्टिंग करना है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड होता है वैसे लोगों के लिए जो रोटेशनल शिफ्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड है कि उनको सिर्फ और सिर्फ दिन में ड्यूटी करना है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। ये एक नॉर्मल शिफ्ट हो गई जो अप्रोक्सीमेटली सभी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में होता है। तो ये आपको 12 घंटे का काम है, ओनली डे ड्यूटी, महीने में 26 दिन काम करने हैं, और पोस्ट है हेल्पर का, क्वालिफिकेशन नहीं डिमांड किया है। देखो, कंपनी सीधा बोलती है कि अगर आप लेबोरियस पर्सन हो तो आप आराम से आके हमारे कंपनी में काम कीजिए, सैलरी उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक फैक्ट्री इंडस्ट्रीज कभी भी आपका एजुकेशन डिमांड नहीं करती, बल्कि आपको देखती है कि आप कितने लेबोरियस पर्सन हो। अगर आप लेबोरियस हो, डेफिनेटली आप उस कंपनी के लिए परफेक्ट हो, नहीं तो आप परफेक्ट कहीं भी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं भी आपका टैलेंट खोजा जाता है, नहीं तो दूसरा आपका लेबोरियस। अगर आप मेहनती हो तो आप कहीं भी कमा के खा सकते हो। सो एज लिमिटेशन कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 ईयर्स, ये एज का क्राइटेरिया जो मैंने बताया ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। अगर आपका एज का क्राइटेरिया कंपलसरी है तो आप एज के क्राइटेरिया को पहले देखें, नहीं तो जो कंपनी आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगी लाइक दिस आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब, तो उस टाइम में आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो भी हो सकता है। तो ये चीजें आप पहले सुनिश्चित कर ले कि आपका एज का क्राइटेरिया कंप्लीट है फिर या नहीं है। सो यहाँ पर लोकेशन सियालदा, हुगली, कोलकाता, 3 लोकेशन में है। लोकेशन वाइज बोलूँ तो सियालदा, हुगली में ये जॉब्स होने वाला है। अकोमोडेशन टोटली फ्री प्रोवाइडेड बाई कंपनी, मतलब रहने की सुविधा कंपनी आपको बिल्कुल फ्री में दे रही है, इसका एक पैसा चार्जेस नहीं ले रही है। दूसरा बात है कि 3 टाइमिंग फूडिंग का जो चार्जेस है 70 रुपये प्रतिदिन है। तो ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका मंथली बेसिस खर्चा आएगा 30 दिन का 2100 रुपये आएगा। 2100 रुपये में आप 3 टाइम खाना खा लोगे कंपनी में, जो आपका बेसिक सैलरी है 11000 रुपये इन हैंड सैलरी है। तो ऐसे समझ सकते हो कि आपका 2000 खाने में जाता है तो 9000 रुपये आपका सैलरी टोटल सेव हो जाएंगे। सो डेफिनेटली अगर आपको ये काम करना है तो आप इस काम को कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के। वीडियो में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिए, और जो वेबसाइट मैंने बताया वो वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर पूरा हिंदी में पोस्ट है एंड आपको वैकेंसीज बहुत ही लार्गेस्ट नंबर पे वहां भी दिखते हैं। सो मिलते हैं कोई नई जॉब्स की इंफॉर्मेशंस लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।